फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। किस प्रकार से जो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स करते हैं, जितने शेयर आप जनता को निर्मित करते हैं, यदि जनता उससे कम के लिए आवेदन करती है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख शेयर इशू किए और जनता से जो है आवेदन आता है 80,000 का, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जितने शेयर आप जनता को निर्मित करते हैं, इशू करते हैं, यदि जनता उससे कम के लिए आवेदन करती है, सब्सक्रिप्शन करती है, तो उसको आप बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख शेयर इशू किए, जनता से आवेदन जो है वो 80,000 का है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ऐसा करते समय ऐसा इसलिए होता है कि जिस फर्म की गुडविल अच्छी नहीं होती है या जो फर्म नहीं होती है, कई बार ऐसी कंडीशन के अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर आ जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन के अंदर ये बोलते हैं कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पहले देखें। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? जैसे आपको पहले भी पिछले वीडियो कुछ एक वीडियो जो पहले बताई थी उसमें अंदर बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, कि ऐसी राशि जो आवेदन पत्रों के साथ अवश्य आ जानी चाहिए, उसको आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की संख्या देते हैं। 2019 से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन से हमारा क्या है कि इशूड कैपिटल का 90% पैसा जो कुछ कार्यों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई संपत्ति खरीदनी है या आपने किसी से लोन दिया उस पर आपने इंटरेस्ट देना है, अंडरराइटर को कमीशन देनी है, क्लियर इंडिया एक्सपेंसेस को पूरा करना है, रजिस्ट्रेशन का कोई खर्चा करना है, तो वो सारे खर्चे को करने के लिए कम से कम उस सारे खर्चे का 90% पैसा जो आपके पास आ जाना चाहिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ये बोलते हैं कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को भी ध्यान में रखें। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन ही पूरी नहीं होती है तो ये कहा जाता है कि कंपनी ये बोलती है कि आपको वह सारा का सारा पैसा अगले 120 दिन तक इंतजार करने तक के बाद भी यदि वह पैसा नहीं आता है तो अगले 8 दिनों के अंदर अंदर आपको वह पैसा वापस करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी एक्ट ये बोलता है कि आपको 15% ब्याज से उस राशि को वापस करना पड़ेगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान रखें इस बात का कि आपने जनता को शेयर इशू किए 1 लाख, जनता से आवेदन है 80,000 का। अब आप मान लो फॉर एग्जाम्पल ₹10 करके आप ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो ध्यान रखें इस बात का कि आप सारे जो ड्यू करेंगे और जो आप पैसा मंगाएंगे तो जितना से जनता ने आवेदन किया है, जितने के लिए जनता ने आवेदन किया है उसी के हिसाब से ड्यू और उसी के हिसाब से जो है वो पैसा मंगवाया जाएगा, ना कि जितने जनता को आपने इशू किया है। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ध्यान रखें इस बात का कि एप्लीकेशन भी आपको 80,000 के हिसाब से रिसीव होगी, अलॉटमेंट भी आपको 80,000 के हिसाब से रिसीव होगी और कॉल्स भी आपको 80,000 के हिसाब से रिसीव होगी। जैसे पहले आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 का ₹2 के हिसाब से, दैट मींस की 1,60,000 एंड 1,60,000। फिर उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो भी 1,60,000 एंड 1,60,000। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 और 2,40,000 फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,40,000 एंड 2,40,000 और फिर उसके बाद आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, वो भी 80,000 से ड्यू की जाएगी, इसके लिए आप एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर आप उसका पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। तो इस प्रकार से अर्थात क्वेश्चन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयरों के लिए जनता ने आवेदन किया है उससे ज्यादा शेयरों को ना तो आप मंगवा सकते हैं और ना ही आप ड्यू कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने जितने शेयरों के लिए आवेदन किया है उससे ज्यादा आप जनता से मंगवा नहीं सकते। जनता की मर्जी है, आप सभी जानते हैं पब्लिक कंपनी है और खासकर पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को भी देखा जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, इश्यूड कैपिटल का, और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ध्यान रखें इस बात का, इसका वर्णन भी कंपनी के अंतर्नियमों में किया जाता है कि कम से कम इतना पैसा जो है कंपनी के पास होना चाहिए। तो इसके लिए भी कंपनी के अंतर्नियमों में क्लियर लिखा होता है कि आपको कम से कम इतना पैसा जो है आपका आवेदन पत्रों के साथ आ जाना चाहिए। यदि वह आ जाता है तो दैट मींस कि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है और आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जनता को शेयर जो है निर्मित कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में जितने शेयर आपने इशू किए उसके हिसाब से ड्यू और उसके हिसाब से रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि जितने के लिए जनता ने आवेदन किया है उसी के हिसाब से ड्यू और उसी के हिसाब से जो है रिसीव किया जाएगा। तो ये थी आपके अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा।
तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि सुमति लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ रुपीज आर ईच पेबल एज फॉलोज रुपीज 2 रुपीज 50 पैसे ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जनवरी 2018 2 रुपीज 50 पैसा ऑन अलॉटमेंट ऑन 1 मार्च 2018 3 ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 1 जून 2018 एंड 2 ऑन सेकंड कॉल ऑन 1 अक्टूबर 2018 All the shares were subscribed. All the sum were duly received. One shareholder who had 100 shares paid the amount of first and second call with allotment and interest paid on 1st October 2018 passed necessary journal entry in the books of company. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? क्वेश्चन करते हैं आपको क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 10 जर्नल एंट्रीज पहला कॉलम डेट का पर्टिकुलर्स का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज 2018 जनवरी 1st पहली एंट्री आपको पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर का 2 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 50,000 आपको एप्लीकेशन का मिला तो ये 50,000 और 50,000 फिर आप सभी जानते हैं कि आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में कब करते हैं अलॉटमेंट की जो डेट होती है अलॉटमेंट के टाइम में क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को देखते हैं यदि वह पूरी हो जाती है तो अलॉटमेंट के टाइम में सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो ये भी 50,000 और 50,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं सेम डेट को कब बोला मार्च 1, 2018 जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और ये आपकी ये भी सेम 20,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से हैं दैट मीन्स की 50,000 और 50,000 ये आपको आपने ड्यू किया फिर आप सभी जानते हैं कि आपने पैसा रिसीव किया जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो कितना पैसा रिसीव हुआ जी आपको और साथ में आपको कॉल्स इन एडवांस का भी रिसीव हुआ सबसे पहली बात है कि इसका तो आपका 50,000 है एक बंदा जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल के भी और सेकेंड कॉल के भी अर्थात 200 शेयर्स के 5 रुपये के हिसाब से जिसमें 3 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल थी और 2 रुपीज़ जो है वो फाइनल कॉल थी अर्थात जो टोटल रिसीव किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसकी एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट तो टोटल आपको रिसीव होगा 51,000 जिसमें 50,000 जो है वो अलॉटमेंट का अपना है और 1,000 जो है वो कॉल्स इन एडवांस है तो टोटल आपको रिसीव हुआ 51,000 तो 51,000 आपको रिसीव हुआ जिसके लिए आपने एंट्री करी नरेशन लिखी बींग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद कॉल्स इन एडवांस फिर आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी जून 1st को जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और ये फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपीज़ के हिसाब से है तो 20,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से दैट मीन्स कि आपको जो टोटल रिसीव होना था वो होना था 60,000 तो 60,000 जो है वो टोटल आपने ड्यू किया उसके जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फिर आपने इसकी नोटिशन लिखी बींग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुई इसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट तो टोटल आपको रिसीव होना था 60,000 जिसमें से आपको 200 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये पहले रिसीव हो गया इसका मतलब है कि अब आपको रिसीव होगा 59,400 जो ऑलरेडी रिसीव होगा उसको जितना जिसके टाइम का है ध्यान रखना इस बात का उसको एडजस्ट करते हैं फिर टोटल आपको रिसीव होना था 60,000 तो इसकी आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 फिर आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे फाइनल कॉल ड्यू जो की जाएगी वो फिर 2 रुपीज़ के हिसाब से ड्यू की जाएगी तो 20,000 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से दैट मीन्स कि 40,000 जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 40,000 इसकी नोटेशन लिखी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू फिर आपको पैसा रिसीव हुआ 1st अक्टूबर को जब आपको पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट कितना जी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका 400 पहले रिसीव हो गया 200 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 200 आपको पहले रिसीव हो गया 200 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से 400 आपको पहले रिसीव हो गया इसका मतलब है 39,600 आपको फिर रिसीव होगा जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल का टोटल पैसा जो है आपको 40,000 रिसीव होना है तो टेबल एफ के अनुसार अब आप इस पर इंटरेस्ट देंगे जब आप इस पर इंटरेस्ट देंगे तो इसके लिए आप पहले वर्किंग नोट बनाएंगे वर्किंग नोट में आप देखेंगे फ्रॉम अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल जो है आपको 3 मंथ्स का था मार्च से लेके जून तक का 600 आपको टोटल रिसीव हुआ था 600 का 12% इंटू 3/12 ये आपका 18 रुपीज़ आया इसी प्रकार से फ्रॉम अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल 6 मंथ का था
मार्च टू अक्टूबर और ये आपके पास 400 रुपीज़ थे। 12% आप सभी जानते हैं टेबल एफ के अनुसार इंटरेस्ट लगाया जाएगा और ये 7 महीने का, क्योंकि मार्च से लेकर अक्टूबर तक जो है वो 7 मंथ होते हैं। तो 18 रुपीज़ ये हुआ, 24 रुपीज़ ये हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट हुआ 18 + 24, दैट इज रुपीज़ 46। क्वेश्चन का जो अब आपने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक देंगे, तो आपका 46 आया था जी, तो जब आप देंगे तो आप सभी जानते हैं कि बैंक क्रेडिट होता है, तो इसके लिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट बींग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आशीष लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक एंड रिसीव द अमाउंट 1 जुलाई 2017 विद एप्लीकेशन 2 रुपीज़, 3 ऑन अलॉटमेंट 1 नवंबर 2017 एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल 1 अप्रैल 2018 एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल 1 जुलाई 2018। रमेश हु हैड 500 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट एंड मोहन हु हैड 100 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बी पेड 12% पर एनम, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन जुलाई 2018, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, 2017 जुलाई 1 आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, कितने थाउजेंड शेयर का, 40,000 शेयर का, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 40,000 का 2 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव हुआ 80,000 और 80,000 जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में 1 नवंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया अलॉटमेंट के टाइम में करना है, 1 नवंबर 2017 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 और 80,000। उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 40,000 का 3 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज़ 1,20,000 एंड 1,20,000, तो जिसके लिए आपने एंट्री करनी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 एंड 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे विद कॉल्स इन एडवांस। आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा जिसके पास कितने शेयर थे, रमेश जिसके पास जो है 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है वो किसके साथ दिया जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है वो अलॉटमेंट के साथ दिया, तो आपके पास जो है फाइनल कॉल जो है थी 2, 3, 5 और 3, 8, 2 रुपये, तो दैट मीन्स कि टोटल जो है 5 रुपीज़ आया, तो कितने शेयर का, 500 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस आया, दैट मीन्स कि 2,500 और इसका अपना आया 1,20,000, तो 1,20,000 प्लस 2,500 दैट मीन्स कि टोटल पैसा आया 1,22,500 जिसमें अलॉटमेंट का अपना है 1,20,000। तो इस प्रकार से आपका कॉल्स इन एडवांस जो है टोटल आपको अलॉटमेंट के टाइम में रिसीव हुआ। उसके बाद आप सभी जानते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो आपकी ड्यू की जाएगी 2018 अप्रैल 1, और जब आप इसको ड्यू करेंगे तो ये आपकी टोटल थी 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो आपका 1,20,000 इसका अपना जो ड्यू किया जाएगा 1,20,000 एंड 1,20,000, दैट मीन्स कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा रिसीव होगा और कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट करेंगे आप। देखो शेयर फर्स्ट कॉल का अपना पैसा जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि बैंक का जो शेयर फर्स्ट कॉल का अपना पैसा है वह है 1,20,000। अब मोहन जिसके पास 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल के पैसे भी दिए, दैट मीन्स कि 200 ये भी हो गया, तो टोटल जो है आपका कॉल्स इन एडवांस कितना था जी, कॉल्स इन एडवांस आपका था, आप सभी जानते हैं कि इसका 3 रुपये के हिसाब से, 500 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से जो है वो 1,500 रुपये इसका कॉल्स इन एडवांस था, तो इसका मतलब है कि इसका जो टोटल रिसीव होना वो है 1,20,000 में से 1,05,000 कटाएंगे तो 1,18,500 तो फाइनल फर्स्ट कॉल का अपना और 200 जो है कॉल्स इन एडवांस जो फाइनल कॉल का मिला, तो दैट मीन्स कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1,18,700 जो अलॉट फर्स्ट कॉल के टाइम में टोटल पैसा रिसीव होगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले के अंदर आप सबसे पहले
इसकी नरेशन लिखी पहले आपने कि शेयर फर्स्ट एंड बीइंग फाइनल फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद कॉल्स इन एडवांस, फिर आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। जब आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल की जो टोटल पैसा रिसीव हुआ वो आपको रिसीव हुआ जी 2 रुपये के हिसाब से 40,000 का, 2 रुपीज़ के हिसाब से 80,000। तो 80,000 जो है वो आपको रिसीव होगा और ये मतलब ड्यू करेंगे आप शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर इसका आपको टोटल जो रिसीव होगा इस समय वो कितना होगा, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस इसका आ चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस इसका है जी 1,200। दैट मीन्स कि 78,800 जो है आपको फिर रिसीव होगा। वो कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलॉटमेंट के साथ आपको 1,000 रुपये मिले थे और 200 रुपये आपको फर्स्ट कॉल के साथ मिले थे, तो टोटल आपको जितना रिसीव हुआ था टोटल आपका 1,280,000। अब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वर्किंग नोट आपको सामने बनाया जाएगा। जब आप इसको पे करेंगे तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक 160 और 160। तो ये कैसे आया इसको आप करते हैं इसका वर्किंग नोट, जिससे आप वर्किंग नोट हम इसका बनाते हैं। तो आपका फ्रॉम अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के बीच में 5 मंथ हुए आपके, नवंबर से लेके अप्रैल तक, अगर आप इनको मंथ को गिनेंगे तो वो आपको टोटल कितना रिसीव हुआ था जी 1,500। 1,500 का कितने रुपए के हिसाब से जी कितने परसेंट, 12% और कितने महीने का, 5/12। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप इसको काटेंगे तो आपके आपके पास आएगा ₹75। तो 75 तो आपका ये आ गया जी। इसी प्रकार से फ्रॉम अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल जो आपका 8 महीने का है वो था जी आपका 1,000 रुपीज़ का 12% इंटू कितना, कितने महीने का जी, ये आपको पता है कि 8 महीने का है, 8 महीने क्योंकि आपने गिने कब से लेके, आपने गिने जी जो आपका अप्रैल से लेके अप्रैल टू वर्ष जो भी आपका अप्रैल के बाद जो अगली अगली डेट जुलाई तक जब आपका ड्यू हुआ, तो जो आपके टोटल महीने जो है वो 8 महीने अप्रैल टू जुलाई अगले साल की, तो आज ये टोटल जो है 8 महीने का हुआ, तो 8/12। इस प्रकार से इसको आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आया ₹80। उसके बाद जो आपका फर्स्ट कॉल के टाइम में मिला था आपको 3 मंथ्स का हुआ, 3 मंथ्स का कैसे हुआ, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल से लेके जो है वो आपका जुलाई तक आया जी। तो किस प्रकार से जो है आपका इसको करेंगे, तो ये आपका टोटल आपको रिसीव हुआ था 200 का 12% और इंटू 3/12। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया और ये आपके पास आया ₹6, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 75 + 80 + 6 दैट इज 161। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया, तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11।